मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अरे ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कलंदर क्रमा से ये दर्प कर क्रमा हर से ने खबर क्रमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, सैयद टीवी चैनल में वेलकम है व्यूअर्स। आज आपको मैं 402 के करीब आज मैं आया इधर आया हूँ इतवार वाले दिन, तो इधर बहुत अच्छा मौसम है, तो यहाँ पे ना खोया बनाने के लिए जो देसी खोया बनता है, तो वहाँ पे आज आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँगा कि वो खोया किस तरह बनता है। तो प्योर खोया ये जो बनाने का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम मार साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं जी? ये आपके पास हम आए हैं यहाँ से देखने के लिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप बताएं कि इस काम के बारे में ये इस काम की प्योरिटी क्या है और आप किस तरीके से इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। भाई पहले नंबर तो मैं पंजाबी में बात करना चाहता हूँ। जी जी कोई बात नहीं, आप पंजाबी में बात करें, कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों को शौक होता है हलाल खाने का, हलाल की रोटी और इस नेचर के तहत कि उनके बंद सोहनी सोहनिया नियमत ले, फिर वो सोहनिया नियमत देता लाहौर मेरा नाम है, सिर्फ हलाल की रोटी दे रहा है, मैं प्योर काम करना खोजा जिस तरीके लगना उस तरीके बनना, अलहमदुल्ला अल्लाह ताला इज्जत आई सुकून आई रिज के हलाल रोटी देता इस वास्ते कि उनके बंद वास्ते बोलना। अच्छा तो किन्ने साल का तजर्बा है माशाल्लाह? नहीं 21 साल 2000 मैं एक ही काम शुरू किया। अच्छा लाहौर च? अच्छा बाकी मुख्तलिफ मेरे काफ़ी पार्टियां आदि बहुत सारे शहरों को। अच्छा अच्छा मैं उन्होंने सुनना नहीं देता इस वास्ते कि जो जो सुनना है वो आज दूध प्योर मिलता नहीं। बिल्कुल सही है। मैं प्योर का करना जितना मेरा काम है उतना कवरेज करना उस ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ। यानी कि तुम्हें माशाल्लाह काफ़ी शहरों तो ऑर्डर आते हैं? बहुत ऑर्डर आए, तो पार्टी आई उन्हें बहुत एडवांस आख्या सारा, तो मैं नहीं जो लोग किसी अपनी जात वास्ते देंगे ने उन्होंने लोगों ने मैं पसंद नहीं करता, जो लोग दोस्तों वास्ते जींदे ने जी इंसानियत वास्ते जींदे ने उनके बंद सोहना सुधा बना के अपना दिल जितते हैं दोस्तों का दिल जितते हैं वो लोग ही फलाह पाते हैं, अल्लाह उन्हीं चीज़ों पसंद है। इस वास्ते मैं सारे मुसलमान भाइयों को अपील करना कि जितने जो कुछ तुम अपने वास्ते सोचते हो दूसरे दूसरे मुसलमान भाई वास्ते मतलब सोचो, तो इस अल्लाह ताला के महबूब ने सारिया इनाम यास्ता अगर चीज़ा हैं तो हजूर की उम्मत वास्ते हैं, तो इस वास्ते हैं जो किसी अगर हर इंसान अपनी सिम्मत सोनी करता है तो जहर है जी खुशबुए खुशबुआ ने, इस वास्ते अल्लाह ताला तौफीक दे दे हलाल की रोटी दी। बहुत शुक्रिया सर, तुहाड़े कोल असीं आए हैं, ये तुहाड़ी मुहब्बत दा तुहाड़ी चीज़ों का देख के बहुत खुशी हुई है। अब हम ये दोबारा डाल के खुशी किलो दूर है, दूध डालने के बाद में जो है हमने आग को थोड़ा सा तेज़ किया, वो इस तरह हमने तेज़ करना है जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से बैगन की है, गन्ने की छड़ी को आग लगाई है और वो अंदर जाके भट्टी जो है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे आग बन जाएगी। अब ये देखिए माशाल्लाह दूध बॉइलिंग कंडीशन पे आ चुका है ज़बरदस्त, इन लोगों का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह कि ये दूध को है जो बर्तन है पॉट उसके ऊपर से बाहर नहीं जाने देते, उस अच्छे तरीके से इसको कवर कर रहे हैं। ये दूध अल्लाह की रहमत है, तो जो इसको ख़रीदते हैं जो बनाते हैं वो नेक लोग होते हैं और जो देख रहे हैं वो भी अच्छे ही लोग ही हैं। आप ये देखें इसके ऊपर ऐसे जो मलाई कंडीशन बनेगी, दूध को थोड़ा सा हीट पहुँच चुकी है, अब इसका बॉयलिंग की पोजीशन पे आ चुका है, अब ये देखें बॉयल हो रहा है, जैसे जैसे पीछे से हम आग को तेज़ कर रहे हैं आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से जैसे आग तेज़ हो रही है, ये देखिए आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है और उसी तरह जो है बॉयल जो है दूध जो बॉयलिंग कंडीशन पे आ रहा है।
इस तरह का काम आपको कहीं देखने पे भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो दिखाऊँ। 50 किलो दूध था और ये देखें खुश हो के कितना थोड़ी मकदार में ये रह गया यहाँ पे, तो वैसे बन बन के ये जो है तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना के बाद ये जो है ये क्लियर हो जाएगा और ये खोए की शक्ल में आ जाएगा। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा आग लगानी पड़ती है, उसके साथ इसको हीट देनी पड़ती है, उसमें ये पकना शुरू होता है और साथ ही ये क्लियर हो जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी ताकि क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि ये खोया किस तरह बनता है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है मगर ये है कि ये प्योरिटी जो है आपको इस तरह की देखने को कहीं नहीं मिलेगी। तो आप ये देखें कितना 50 kg जो मिल्क था उसको हमने किस तरह पका पका के और बच्ची के ऊपर है काफ़ी ज़्यादा हीट के ऊपर किस तरह पक चुका है और कितना थोड़ा रहता है। और वो दूसरी साइड के ऊपर भी यही पक रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा स्टार्टिंग ही है वहाँ पर मिलता है, मगर यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं ये तकरीबन रेडी टू ईट है। इसके बाद इसके अंदर चीज़ें डाली जाएंगी और ये फिर मुकम्मल तौर पर खोए की शक्ल तैयार कर रहे हैं। ऐसा प्योर खोया आपको कहीं भी नहीं अवेलेबल होगा। अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर हमारा खोया अब तक तैयार है और अब हम इसको बर्तन में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से इसमें डाल दिया आप प्योरिटी देखें, आपको यहाँ से मैं स्मेल नहीं करवा सकता और इसकी बहुत खूबसूरत स्मेल है और जो दिल को छूने वाली है, तो बस आप इसको देख के ही इंजॉय करें और हम आपको इंशाल्लाह टेस्ट भी करवाएंगे। अब ये बर्तन तकरीबन हमने साफ कर लिया, अब हमको यहाँ से अंदर ले जाए। बाहर प्रोडक्शन तैयार हो चुकी है, इसको हम यहाँ पे इसके अंदर हम ले आए हैं कम रूम के अंदर, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रखते हैं और ये देखें यहाँ पे अब ये ठंडा हो रहा है प्रोसेस और ये प्योर जो है ये क्वालिटी का खोया बन चुका है। यहाँ से हम जैसे कुछ इस तरह निकालेंगे, ये देखें माशाल्लाह आप देखें इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू कितनी प्यारी है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं की गई, प्योर दूध जो भैंसों का दूध है उसके साथ इसको बनाया गया है। तो अगर आप ये डेली की बुनियाद पर बनाया जाता है और फिर इसको सेल किया जाता है और ये ऑर्डर के ऊपर बनता है, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है।
अब हमने ये 1 kg है ये अपने लिए परचेज़ किया है इधर से, और मैं इसको थोड़ा सा तैयार करवा रहा हूँ और उसके अंदर चीनी वगैरह डलवाई है तो ताकि ये क्लियर हो जाए। अब इस तरीके से ये देखिए इसको थोड़ा सा और गर्म किया तो ये मनपसंद की कंडीशन बन जाएगी और ये अब देखिए थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। इसको आग के ऊपर कर रहे हैं तैयार, ये देखिए ये खोया हुआ है मन तो बहुत ज़्यादा गजाइत देखिए मन पसंद बन रहा है। इसको मज़ीद हीट दे के अब इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के साथ हसबे जायका जो है चीनी डलवाई जा रही है टेस्ट के मुताबिक। कुछ लोग जो है वो चीनी मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग मीठा कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर परचेज़ करके लाया हूँ ताकि वो यहाँ पर डाल के इसका टेस्ट अच्छे तरीके से बनाया जा सके। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से मगज़ियात भी डलवा सकते हैं जो आपका दिल करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखें ये बिल्कुल प्योर मंसन बन चुकी है, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे आते ही थोड़ा इंटरव्यू करवाते हैं आपका और उनकी बातचीत सुनाते हैं, थोड़ी शिक्षा चाहिए काम को सुनाते हैं।